हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप लोगों में से कुछ लोगों के रियूनियंस क्यों नहीं हो रहे, तो ये जो वीडियो है ये वन ऑफ द रीजंस है कि ये एक और कारण हो सकता है कि आपकी यूनियन में डिले आ रही है। इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले मैं जो हमारा लेटेस्ट वीडियो जो DF का था अबाउट द सोल रिट्रीवल ज़ीरो कॉन्शियसनेस एंड द मरकाबा करेक्शंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पूरा फुल एफर्ट लगाया है उन्होंने, पूरा जस्टिस दिया है। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखिए। इनफैक्ट मैं उनका ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज मुझे ये वीडियो जब बनाना था बट मुझे मेरा बाहर का ट्रिप आ गया था एंड मैंने एक ही बार DF से रिक्वेस्ट की कि अगर आप बनाओ तो, एंड एक ही बार की रिक्वेस्ट में शी मेड दिस वीडियो एंड शी लिटरली डिड लव 100% जस्टिस विद द वीडियो और बहुत सारा एफर्ट लगाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू डिवाइन फेमिनिन, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और वो वीडियो को जाके ज़रूर देखिए और वहाँ ब्लेसिंग्स दीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि मैंने ये टॉपिक चुना क्यों था कि यूनियन, वन ऑफ द रीज़न कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि जब काउंसलिंग होती है तो आप लोग बड़े कन्फ्यूज होते हो। आप में से कुछ लोग कहते हैं मैंने मैम मैट्रिक्स ट्विन मैनिफेस्ट किया है, या कोई कोई कहता है मैम आप कहते हैं ना DDM, मेरा तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा DDM था, ठीक है, ऐसा है वैसा है लाइक दिस। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट किया है या वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, ठीक है। पहले तो आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करते हो या आपके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपके यूनियन ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको इस जर्नी के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है, ट्रुथ ही नहीं है, कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। अब रही बात हम मैनिफेस्ट जब करते हैं, जब हम आफ्टर बर्थ कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, जब उस चीज़ की स्कैसिटी हमें महसूस होती है, जैसे कि हमें लाइफ में प्यार की ज़रूरत है, तो आई एम मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, अ बॉलीवुड हीरो, बिल्कुल मेरे हीरो जैसा कोई होना चाहिए, वैसे ही रोमांटिक, बहुत सारा रोमांस करने वाला, बहुत सारा पैम्पर करने वाला, बहुत सारा बॉदर करने वाला। सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका आपके इनकार्नेशन से पहले के से होता है, तो अब आपको समझ लीजिए कि हाउ कुड यू मैनिफेस्ट अ ट्विन फ्लेम, ठीक है। इनफैक्ट योर ट्विन फ्लेम इज़ अ स्प्लिट सोल, आप ही की आत्मा का वो हिस्सा है, तो बट ऑब्वियस वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनफैक्ट वो सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो सिचुएशन आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हो कि मैं आपसे इनकार्नेट होके इस लाइफ में यहाँ इस सिचुएशन पे मिलूंगी या मिलूंगा, तो आपकी जो सिचुएशन होती है वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका ट्विन फ्लेम नाइदर इज़ योर मैनिफेस्टेशन नॉर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक ये क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी थी। इनफैक्ट द ट्रुथ इज़ दिस कि आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके फ्रेंड्स, हर कोई आपके एक्चुअली सोल कॉन्ट्रैक्ट का हो, या ये कह लो कि एज पर योर कर्मा एंड एज पर योर लेसन लर्निंग आते हैं, इस बात को मत भूलिए, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग अ प्रॉपर रोल एज पर योर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ऊपर जो स्क्रिप्ट बनाई है आपने भगवान के साथ बैठ के, एंड इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ आके आप भूल गए और यहाँ आके आप गलतियाँ कर रहे हो, आपके अंदर इतने सारे ट्रॉमास, वुंड्स आ गए हैं, एंगर इशू आ गया है, आप नए कर्मा क्रिएट करने लगे हो, आप ऑब्सेशन की एनर्जी, आप ट्रॉमा अबॉन्डेड आप हो गए हो, आप वुंड्स आपको हैं, इतनी सारी चीज़ें, लो वाइब्रेशन एनर्जीज आपके अंदर स्टक्ड है, तो आप रिपीटेड कर्मा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो कर्मा आपने मैनिफेस्ट किया गलतियाँ करके, ये आपकी मैनिफेस्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी मे बी इन द
नेक्स्ट लाइफ, ठीक है, अगर आपने वो कर्मा किया, आपको यहाँ पर लेसन लर्निंग करनी थी, अपने कर्मा क्लियर करने थे, लेसन लर्निंग करनी थी, वो ना करके आपने उल्टा नए कर्मा क्रिएट कर लिए, तो मे बी वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे कि यू विल अट्रैक्ट, यू विल मैनिफेस्ट, और आप यू कैन से कि फिर से रिपीटेड प्रॉब्लम्स, आपको पैटर्न प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फिर अगेन अगेन सफ़र करना पड़ेगा, बट आपने एक बार में सीख लिया तो वो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप डिसॉल्व कर सकते हो। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर आप एक लेसन लर्न कर चुके हो तो यू कैन डिसॉल्व योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया है तो यू विल कंटिन्यू द सिमिलर पैटर्न प्रॉब्लम इन योर नेक्स्ट लाइफ, एंड वो जो आपने आज क्रिएट किया है वो अगेन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा नेक्स्ट लाइफ के लिए, सिमिलर पीपल, सिमिलर सिचुएशन। इसलिए इस लाइफ में आप थकिए मत, हारिए मत, अच्छे से अपना इनर वर्क करिए, ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, अपने वुंड्स को हील करिए, अपने पास्ट लाइफ वुंड्स को हील करिए, अपने कोर वुंड्स को हील करिए, अपने एथरिक वुंड्स को रिलीज करिए, अपने एनर्जेटिक ब्लॉक्स को क्लियर करिए, लेसन लर्न करिए, खुद में चेंजेस लेके आइए और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करिए। ट्राई कि आप अपनी सोल, इनफैक्ट आई कैन से सोल को रिट्राइव करिए, ठीक है, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जीज आपके अंदर है सबको रिलीज करिए, अपनी पावर को वापस लीजिए, पुल योर पावर बैक, ठीक है। तो ये इस लाइफ में ये पर्पज़ है, तब जाके आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आते हो। चलिए बहुत लंबा ना करके वीडियो मैं बताना चाहती हूँ कि वन ऑफ द रीज़न क्या होता है कि जब आपका यूनियन डिले होता है, जैसे कि आपने बात करी ऊपर अभी मैनिफेस्टेशन की ही, तो होता क्या है कि जब आपकी जर्नी आपको मिली है, जो सारी बातें मैंने ऊपर बताई हैं, ये सारा प्योरिफिकेशन क्लेंजिंग प्रोसेस आपको यू टू गो थ्रू, ओके, यू कैन गो थ्रू विद द सिस्टमैटिक इनर वर्क दैट हेल्प्स यू इन स्पीडिंग अप ऑल द ट्रॉमास, आपके टेस्ट एंड ट्रिगर उससे स्पीड अप होते हैं, और जैसे कि आप लोग टेस्टिमनी बताते हो कि मैम Now I am reaching to that point of success, growth and everything. वो सब आपको अब मिलने लगा है जो आपके energetic blocks थे। बहुत से आज ही मुझे counseling में आया था कि मुझे बहुत अच्छा हाइक मिला है, बहुत अच्छी जॉब भी लगी है, मेरी financial abundance भी heal हो गई है। तो इनफैक्ट मैजिक क्या था, वो systematic inner work करके आपने वो सारी आपकी स्पीड अप हुई, आपकी जर्नी में टेस्ट एंड ट्रिगर स्पीड अप हुए, आपने उसको हील किया, क्लेंस किया, सारे आपने कार्मिक वुंड्स, को वुंड्स, है ना, सारे एथरिक वुंड्स, आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स, आपके सारा का सारा आपने डिसॉल्व किया, ठीक है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को अपने डिसॉल्व किया जो कि अब ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व किया, अपनी पावर को वापस लिया, ठीक है, एंड नाउ यू आर गेटिंग सक्सेस एंड ग्रोथ इन योर लाइफ, ठीक है। बट इसी जगह पर हम अगर लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं कि ठीक है, आप जब अपने को क्लेंस कर लोगे तभी आपको आपका डिवाइन यूनियन होगा, और डिवाइन यूनियन के बाद ही जो आपका डिवाइन है वो आपके डीएम का स्विच ऑन करेगा, माइंड टुवर्ड्स यू, ठीक है, तो तब आपका यूनियन होगा। लेकिन आप अपने ऑब्सेशन से ही ऊपर नहीं उठ रहे हो, आप अपने जो कितने इनर वर्क को नहीं कर रहे हो, आप लेज़ी हो रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप मिसगाइड हो रहे हो, आपके अपने थॉट्स आज कुछ हैं कल कुछ हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आपके आपके अपने ही माइंड में या अपने ही यू नो इनर वर्क करने में स्टेबिलिटी नहीं है, या आप सोल मेट आया और आप मिसगाइड हो गए, या उससे हीलिंग वो सोल मेट हीलिंग देने के लिए आया पर आप मिसगाइड हो गए, या आप थक गए, या आप सोचा कि अब मैं गिव अप कर देती हूँ, आप लेज़ी हो गए, आपने गिव अप कर दिया, या बहुत सारी माया आ गई, पैसा आ गया तो ठीक है, अब पैसा आ गया अब तो इनकी क्या ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है, पैसा भी हीलिंग देता है ना, बहुत पैसा आ जाता तो वो भी हीलिंग देता है, ओके तो कुछ भी रीज़न करके जब हम जर्नी को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, और जब तक आप भगवान आपको स्कैन कर रहा है, वो भगवान देख रहा है कि अभी किस कहाँ तक अभी आप हील नहीं हुए हो, और आपकी जर्नी एक्चुअली मैं आप खुद डिले करते हो, अगर आप अपने शांति से
भगवान पर ट्रस्ट करके सरेंडर की एनर्जी में रह के सिर्फ इनर वर्क करते हो तो जल्दी आपकी जर्नी पूरी हो जाती है, जल्दी जल्दी आप स्मूथली टेस्ट एंड ट्रिगर जाके आते हैं, आप टेस्ट देते हो। देखिए टेस्ट डरना नहीं है, आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा, आप नेक्स्ट क्लास में कैसे पहुँचोगे। देखिए यहाँ तो आप लोग टेस्ट देने से ही डरते हो, मैंने देखा है, जल्दी जल्दी टेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम पास करिए, आगे बढ़िए। पर यहाँ हम टेस्ट ही नहीं देना चाहते हैं, हमको टेस्ट और ट्रिगर से ही डर लगता है, फिर हम चैलेंज में कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक से फिर सीखते भी नहीं है, और फिर मिस्टेक करते 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 हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, जर्नी को गिव अप कर देते हैं। और जिस पॉइंट पर आपका यूनियन मैनिफेस्ट होना होता है कि हाँ अब आपका यूनियन होने वाला है, तब तक आप जर्नी को गिव अप कर देते हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे समझ में आता है 1/4 लोग इस जर्नी पे यूनियन उनको इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो जब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी है, ग्राउंड होनी है, आप छोड़ ही देते हो, राइट? बहुत से लोग, देयर इज़ वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, और उन्होंने बीच में गिव अप कर दिया था, बट शी इज़ सच अ फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने मे बी 8 to 9 months बाद मुझसे फिर से कॉन्टैक्ट किया, और उस वक्त मुझे बिना बताए उन्होंने जर्नी पे गिव अप कर दिया। एंड जब हमारी बात हुई, आई एक्सप्लेन हर द रीजन्स, उन्होंने बिल्कुल इस बार रिलीजियसली उसको फॉलो किया, एंड नाउ शी इज़ इन रियूनियन एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन हर लाइफ। इनफैक्ट काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं, शी इज़ शेयरिंग विद मी, आज भी मेरी उनसे बात हुई थी। तो आप देखिए कि शी इज़ फॉर्चुनेट अनफ कि उन्होंने गिव अप तो कर दिया था, और जस्ट मतलब मुझसे जब उन्होंने बात की थी 3 to 4 months बैक, मैंने गाइड किया और 3 to 4 months में उनका यूनियन हो गया एंड शी इज़ डूइंग वेल। अब आप सोचिए कि अगर वो मुझसे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करती और उन्होंने गिव अप कर दिया था ऑलरेडी, तो आज जिस चीज़ को वो एन्जॉय कर रही हैं वो चीज़ उनकी वो खो देती ना फॉर दिस लाइफ टाइम, एंड दिस इज़ द रीज़न शी इज़ फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। बट आई थिंक शी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द गॉड कि गॉड ने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी वंस अगेन। तो मुझे लगा कि आई मस्ट डिस्कस दिस थिंग विद यू कि आप लोग गिव अप कर देते हो, गिव टाइम टू ग्राउंड योर मैनिफेस्टेशन, बजाय थकने के खुद से पूछो कि क्या मैं रेडी हूँ। Ask yourself, आप थक रहे हो, मतलब कि आप वेटिंग, आप किसी पर्पस से उस इनर वर्क को कर रहे हो, आपको खुद पे कोई भी काम नहीं करना है, आपको अपनी सोल को एलिवेट नहीं करना है, आप थक रहे हो क्योंकि आपको DM चाहिए, डेफिनेटली DM चाहिए, कोई डाउट नहीं है, ये तो आउटकम हम सबको चाहिए, ऑनेस्टली बोल रहे हैं। DM आपका आउटकम नहीं होता तो ये जर्नी का कोई मतलब ही नहीं है, एज ए 3D पॉइंट ऑफ व्यू तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ह्यूमन हैं इस 3D प्लैनेट में, ठीक है? मतलब हमारे सोल के ऊपर बॉडी है, सोल के ऊपर स्किन है, तो मतलब डेफिनेटली हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से, ठीक है? नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, बट फिर भी हमको हमारी सोच होनी चाहिए कि हमको सिर्फ पहले मैं खुद को तो एलिवेट कर लूँ, मैं पहले खुद तो डिवाइन यूनियन तो कर लूँ, डिवाइन से तो यूनियन कर लूँ, फिर देखा जाएगा। डोंट गिव अप अंटिल अनलेस आपका डिवाइन यूनियन हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद आपको गिव अप करना है कि नहीं करना है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही मेरा वीडियो था कि अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो पहले खुद से पूछो कि क्या मेरा डिवाइन यूनियन हो गया, और अगर आपका डिवाइन यूनियन हो जाता है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं कि मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी गिव अप करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप गिव अप ही नहीं करोगे तो आपका ट्विन कहाँ जाएगा, उसको तो आना ही है, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।